हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर 9 में जो करैक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग्स की वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने वेरियस थिंग्स डिस्कस की थी, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स आती है वो है रिप्रोडक्शन। डू ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने इंडिविजुअल्स और अपने जैसे इंडिविजुअल को बर्थ देना, जैसे चाहे वह डॉग्स हैं, वर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपनी तरह की नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम वर्ड्स लाइक पिजन्स? मैनी वर्ड्स लेज देयर एग्स इन द नेस्ट, सम ऑफ द एग्स मे हैच एंड यंग वर्ड्स कम आउट फ्रॉम दीज। लिखा है कि कभी आपने बर्ड्स के नेस्ट देखे हैं तो वो क्या करते हैं, वो एग्स देते हैं नेस्ट में, फिर एग की हैचिंग हो जाती है, मतलब एग जो है वो टूट जाता है और यंग बर्ड्स जो हैं, मतलब बेबी बर्ड्स जो हैं, वो बाहर आ जाते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग बर्ड्स थ्रू एग्स एंड सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग बर्ड्स। देखा है कि जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही तरह की और जनरेशन बनाते हैं। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग है, जैसे कुछ जो है वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, उनकी हैचिंग होती है और उससे बेबी एनिमल्स या वर्ड्स जो है वो निकलते हैं, और कुछ एनिमल्स जो है वो डायरेक्ट यंग वर्ड्स को बर्थ देते हैं। ठीक है, प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैनी एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड प्लांट रिप्रोड्यूसेस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। लिखा है कि जैसे एनिमल्स अपनी तरह और नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट सीड बनाएंगे, सीड को हम कहीं और पे कहीं और जगह लगा देंगे तो वो भी प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ जैसे कैट बताई है, आगे इसके किटन्स बताए हैं, ठीक है, काऊ है, उसके बाद ये डॉग है, इसके भी पपीज हैं, तो मतलब इन्होंने क्या किया, बर्थ दिया है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, एंड दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू प्लांट्स अदर देन सीड, के कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड से ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अदर पार्ट, जैसे कईयों के हम फ्लावर्स लगा देते हैं, कईयों के हम बर्ड्स लगा देते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं, लेटर ऑन दे आर कन्वर्टेड इंटू प्लांट। जैसे किसी प्लांट, जैसे मान लो कि हमने रोज का प्लांट लगाना है, तो उसकी हम क्या करते हैं, एक ब्रांच लेते हैं, उसको किसी दूसरी जगह लगा देते हैं वहां पे जाके, मतलब वहां पे हमें सीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम प्लांट के किसी और पार्ट से भी जो है वो नेक्स्ट प्लांट बना सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, अभी जैसे रोज है तो उसकी कटिंग करते हैं, उसको कहीं दूसरी जगह पे जाके लगा देते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है ये भी सिर्फ लिविंग बींग्स ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी चेयर जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म नहीं देगी, सिर्फ जो लिविंग बीइंग्स हैं वही अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाएगी। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज, रोज का एग्जांपल दिया है, आपने कटिंग लेनी है, उसको कहीं नई जगह पे लगा देना है, और रिप्रोडक्शन के थ्रू वो क्या करेगा, द लेटर कन्वर्टेड इंटू, उसकी ग्रोथ होती जाएगी और वो रोज प्लांट में जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा। आगे है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, डू ऑल द लिविंग थिंग्स मूव। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो बॉडी मूवमेंट्स। वट अबाउट प्लांट्स, डू दे ऑल्सो मूव? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन द सॉइल, से डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। Have you noticed any other kind of movement in plant, opening or closing of flower? Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? लिखा है कि जैसे हमने बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो अब जैसे हमने बाकी करैक्टरिस्टिक्स देखी तो वहां पे एनिमल्स और प्लांट्स में सेम करैक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, तो क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? तो प्लांट्स तो हैं वो तो जनरली क्या है, एंकर्ड है, मतलब वो अटैच हैं सॉइल के साथ, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी वाटर है, मिनरल्स है, ये जो फूड बना रहा है, फूड हमने पढ़ा था कि जो प्लांट में फूड बनाता है वो बनाती हैं उसकी लीव्स, तो ऐसा नहीं है कि जो फूड है वो सिर्फ लीफ ही खाएंगी, लीव से वो जो फूड बनाएंगी वो पूरे प्लांट में ट्रांसफर होगा, तो मतलब वहां पे प्लांट के अंदर जो है वो मूवमेंट हो रही है, तभी हम उनको लिविंग थिंग्स में कंसीडर कर रहे हैं। और जैसे कि आपने मूवमेंट
और देखी है जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर ओपन करते हैं शाम को क्लोज हो जाते हैं, तो वो भी क्या एक तरह की मूवमेंट है। फिर हमने रिस्पांस टू स्टिमुलाई में पढ़ा था कि जैसे हमने कोई प्लांट लगा दिया डार्क डार्क रूम में लगा दिया और साइड से थोड़ी सी क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है, खिड़की के पास हमने रख दिया, तो जिस तरफ से लाइट आ रही है जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा टुवर्ड्स द सनलाइट, मतलब उसमें भी मूवमेंट आ रही है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। We also have some non-living things moving, of course, जैसे कि हमारे पास कुछ non-living things हैं, जैसे बस है, कार है, पेपर है, क्लाउड है, लेकिन हम उनको क्या नहीं कह सकते, हम उनको लिविंग नहीं कह सकते। देयर इज सच अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम करेक्टरिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड। यस, अनदर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बींग्स डाई, जो लिविंग बींग्स है वही डाई करेंगे, जो नॉन लिविंग है वो एज इट इज ही रहेंगे, उनका ना तो बर्थ होगा ना ही डेथ होगी। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। लेकिन अगर मान लो कि इंसान है, अगर वो आगे जनरेशन बनाना बंद कर दे तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमंस हैं वो अर्थ पे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत जरूरी है ताकि आगे से आगे जो जनरेशन हैं वो चली रहे। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर प्रोड्यूसिंग बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज अ रिप्रोडक्शन, कि अगर रिप्रोडक्शन होगी तभी हमारे पास नए ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं, रहते रहेंगे। अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा वो मर जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब विलुप्त हो जाएगी, और वो जनरेशन हमें दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। मान लो हमने कोई प्लांट लगाया है, उसके सीड अगर हम संभाल के नहीं रखते हैं तो वो प्लांट ऑटोमेटिकली जैसे ड्राई अप हो गया तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। वी सी दैट ऑल द लिविंग थिंग्स सीम्स टू हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, दे ऑल नीड फूड, दे रेस्पायर, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे रिप्रोड्यूस, दे शो मूवमेंट, दे ग्रो, दे डाई, ठीक है, दे एक्सक्रीट। तो ये आ गई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। Do we find some non-living things that also shows some of the characteristics? कि हमारे पास कुछ non-living things थी जो characteristics show कर रही थी कुछ एक living things की, जैसे car है, bicycle है, clock है, water है, तो वो move करता है, जो moon है वो move करता है sky में, जो cloud है वो grow करता है size में। Can such thing be called living? We ask ourselves, do these things show all the other characteristics? मतलब एक characteristics की अगर हम बात करें तो उसके basis पे हम किसी को living या non-living नहीं कह सकते जब तक कि हम बाकी characteristics के बारे में ना जाने। In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. Is this always true? Do we always find that living things definitely show all the characteristics? Do we always find that non-living thing may shows only some of the characteristics and never all of them? To understand this, this is a little chapter. Let us look at specific example. Consider any seed, say moong. Moong ki dal ke seed consider kijiye. Is it living? Kya ye living hai? Nahi. It can stay in a shop for months and not show any growth. Matlab ye shop mein padi hai to wo month years waise hi rahengi. Lekin hum usko घर ले आते हैं, उनको प्लांट कर देते हैं तो इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट? तो सीड जो है कि उसको फूड चाहिए, वो एक्सक्रीट करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। वो अगर शॉप में पड़ा है तो वैसा ही रहेगा, अगर उसको हम सोक कर देंगे, उसको लगा देंगे तब वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू प्लांट। वी सी दैट देयर कैन बी केसेज व्हेन वी कैन नॉट इजली से दैट इज अ लिविंग थिंग हैज ऑल द करेक्टरिस्टिक बट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट इज टू बी कॉल्ड लिविंग। ऐसा नहीं है कि एक चीज हमारे पास है तो उसमें सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अवेलेबल हो, हो सकता है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसमें मिसिंग हो, लेकिन ये पांच छह करेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पे आप लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग से क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वट देन इज अ लाइफ? पुश योर हैंड्स डीप इन साइड अ सैक ऑफ व्हीट, डू यू फाइंड इट इज वार्म इन साइड? There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seed respire and in this process give out some heat. लिखा है कि आप अपने wheat की sack बोरी में अपना हाथ डालिए, आपको ये अंदर से कैसे लगेगी, warm लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे heat produce हो रही है, तो वो किस वजह से है कि जो seed है वो respire कर रहे हैं और वो heat produce कर रहे हैं। We see that respiration is a process that takes place in seeds even
वैन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेसिस में नॉट बी वेरी एक्टिव, कि जो रेस्पिरेशन है वो ऐसी प्रोसेस है जो सीड में चलती रहती है भले ही बाकी प्रोसेसिस जो है वो ज्यादा एक्टिव ना हो। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर योर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ, कि ये इजी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना कि व्हाट देन इज लाइफ, ठीक है। However, looking at all the diversity of the living beings around us, we can conclude that life is a beautiful. लेकिन अगर हम diversity देखें living beings की अपने चारों ओर तो हम ये conclude कर सकते हैं कि life is a beautiful, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये chapter खत्म होता है, उसके बाद हम इसकी exercise करेंगे और next week फिर हम जो next हमारी video बनेगी वो रहेगी हमारे नेक्स्ट लेसन पे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के बीच में इसी पुट ऑन कर किए गए हैं आपकी एक्सरसाइज में, और बाकी फिर नेक्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।